पढ़ेंगे क्लास 12 में यूजेनेसिस। यूजेनेसिस के पहले हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ी थी गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन में स्पर्मेटोजेनेसिस और यूजेनेसिस दो क्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स का भरना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणुओं का निर्माण, और ओवा का निर्माण होता है यूजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो पढ़ा था उसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी एक से चार स्पर्म का निर्माण होता है युग्मक कुल मिला के। इसी प्रकार से तीन हेडिंग थी ग्रोथ फेज, पहले थी मल्टीप्लीकेशन, दूसरी ग्रोथ फेज, तीसरी मैचुरेशन फेज। वही तीनों हेडिंग यूजेनेसिस अंडाणु जनन यानी जो ओवा होता है मैच्योर ओवा होता है, जबकि अपन ने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें मुख्य होता है ओवरी। ओवरी में एक लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम से शुरू होती है कहानी और किसका निर्माण होता है ओवा अंडाणु मैच्योर ओवा। ओवा तो ढेर सारे निकलते हैं, जैसे स्पर्म है वो लगभग 7-8 लाख 20-25 लाख तक निकलते हैं, लास्ट में पहुँचते पहुँचते वो समाप्त हो जाते हैं और जाके आधी संख्या लगभग रहती है जब वो निषेचन क्रिया होती है। लेकिन ओवा में ऐसा नहीं, एक महीने में एक ओवरी से ओवा डिस्चार्ज होते हैं, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी से डिस्चार्ज होते हो। उन ओवा में एक ही ओवा ऐसा होता है जो मैच्योर परिपक्व होता है जिसमें स्पर्म फ्यूजन करके निषेचन क्रिया करता है। तो कैसे बनता है उसकी कहानी ये दिया है, इसका नाम है यूजेनेसिस। यूजेनेसिस किसकी परिभाषा है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को दो भागों में, युग्मक जनन को दो भागों में डिवाइड किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस और यूजेनेसिस। यूजेनेसिस में यहाँ से शुरू हुआ, ये जो पहली सेल्स है जर्मिनल एपिथेलियम भी यहाँ से लेके ये दो सेल्स बनी संसूत्र विभाजन। बस दो सेल्स के बाद फिर ने संसूत्र विभाजन किया, ये दो सेल्स ये दो सेल्स पर यहाँ पर पहली अवस्था जो हमने आपको बताई थी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज से पहली जो पांच हेडिंग पहली होती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ये सभी पढ़ी थी। और उसमें प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस की हेडिंग को क्रोमोसोम की संख्या कितनी कर दी थी आदि। तो यहाँ पर ग्रोथ फेज में मियोसिस की डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस एक सेल्स का दिया है उसमें से एक सेल्स बनेगी ऊसाइड या ऊटाइड्स नाम देगी। ऊसाइड्स नाम था ऊसाइड्स में फिर विभाजन होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था मियोसिस सेकंड में एक क्या होता है संसूत्री विभाजन। अगर उसमें दो सूत्र संख्या आदि आ गई पहली अवस्था से, वह आधी संख्या ही संसूत्री विभाजन के लिए अगली स्टेज में जाएगी, वही संख्या रहेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट को एक प्रकार का संसूत्री विभाजन कहते हैं। जाकर के यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हुआ तो इसकी क्या विशेषता हो जाती है, वही साइड के लिए। लेकिन उसमें क्या होगा, ये मियोसिस की सबसे विशेष अलग प्रकार की कंडीशन है। फर्स्ट पोलर बॉडी दो सूत्रों की संख्या वही रहेगी, मियोसिस सेकंड है, मियोसिस से जितने यहाँ पर आगे दो सूत्र है वही इसमें रहेगी और उससे पीछे रहेगी न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड से फिर विभाजन होगा। देखिए अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैचुरेशन। मैचुरेशन जो डिवीजन चल रहा था परिपक्वन की अवस्था, मियोसिस पहला मैचुरेशन डिवीजन और दूसरा मैचुरेशन डिवीजन। उसमें कोई उपयोग नहीं होता, नष्ट हो जाती है। लेकिन चूंकि विभाजन है एक बड़ी कोशिका बन जाएगी छोटी बन जाएगी, जो बड़ी बनेगी वो जाकर के मैच्योर होगा स्पर्म आकर के क्रियान करता है इसी मैच्योर विभाजन।
इसलिए इसका नाम ओमोगर्भिया एक्सेसरभिया उत्तराइट से ही तुम्हारे जन्म क्या होना चाहिए मैच्योर हुआ। देखिए सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम, इसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम से जनन कोशिका बनी, जनन कोशिका का नाम क्या रख दिया उगोनिया। उगोनिया के बाद फिर मटर में पहला विभाजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन में प्राइमरी जर्म सेल्स बनी, उसमें संसूचित विभाजन हुआ, संसूचित विभाजन से उगोनिया बनी। उगोनिया में वृद्धि की ग्रोथ के स्वरूप का उगोनिया में जब कुशल करके भोजन प्राप्त करके स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई, दो प्रकार की बने, एक तो पोलर बॉडी बनी, दूसरा ऊटाइट्स बना। ऊटाइट्स ने फिर से विभाजन करके और शक्ति मजबूत करके स्ट्रांग होकर के वो इसे बदल गया ऊटाइट्स। ऊटाइट्स का मतलब क्या होता है नेचुरल होगा। और फर्स्ट पोलर बॉडी ने फिर से विभाजन करके दो और पोलर बॉडी का निर्माण किया, ये इससे बनेगी परिपक्व, जिसको अपन लोग एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस आकर के उसी में प्रोसेस शुरू कर देगा। अब इसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक और जुड़ा हुआ है, ओवम की संरचना आपने देखी सरल से, ये ओवम है 0.01 एम, ये आकार का होता है, नेचुरल ओवा होता है, ये पूरे आकार का होता है, एक नेचुरल ओवा। जबकि आपको पता है ऑस्ट्रेच शुतुरमुर्ग का जो ओवा होता है वो विश्व में सबसे बड़ा होता है, जो अंडा होता है ऑस्ट्रेच का शुतुरमुर्ग का वो सबसे बड़ा आकार का काफी अंडा होता है, जबकि मनुष्य का बहुत छोटा होता है। लेकिन यही नेचुरल ओवा ही फर्टिलाइजेशन क्रिया में शामिल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और यूजेनेसिस। अगर हम इसमें दो तीन अंतर की पूछे, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर है, क्योंकि तो स्पर्मेटोजेनेसिस किससे शुरू होता है टेस्टिस की क्रिया से, और यूजेनेसिस किससे होता है शुरू गोडी की क्रिया से। टेस्टिस में क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, इसमें ओवा का फॉर्मेशन। जो स्पर्म बनते हैं वो एक सेल से चार स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें क्या होता है एक ही लास्ट में नेचुरल ओवा का निर्माण होता है। पूरा बॉडी को मॉलिक एक्ट करने को इसका काम नहीं होता है, संख्या होती है वो नष्ट हो जाती है। अब इसके बाद इसकी बात करना है तुमको, तीन डिफरेंस होता है, चौथा क्या होता है, स्पर्म होते हैं वो गतिशील होते हैं, उससे पूछ लगी होती है, हेड होता है, मूवमेंट होता है, इसमें स्पर्म होता है। ओवा क्या होता है, ओवा स्थिर रहता है, एक ही स्थान पर रहता है, उसमें आकर के स्पर्म फ्यूजन कर देता है। इस प्रकार से तीन और चार डिफरेंस किसके हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस और यूजेनेसिस। अब अगर हम समानताओं की बात करें, समानताओं में क्या क्या समानता हो सकती है, एक तो ये समझ लो कि इसमें तीन अवस्थाएं होती है, क्या क्या है मल्टीप्लिकेशन, पहला क्या है गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन, तीनों अवस्थाएं एक समान होती है, तीनों रिप्रोडक्टिव सेल से ये जीव दोनों स्पर्म ओवा दोनों क्या होते हैं मनुष्य के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से टेस्टिस से निकलते हैं। इस प्रकार से दो तीन इनकी समानताएं भी, और ये फ्यूजन करके दोनों फ्यूजन करके ही कहाँ पर फ्लॉपिंग हुई, वह स्थान जहाँ पर स्पर्म ओवा फ्यूजन करते हैं उस स्थान का नाम क्या है फ्लॉपिंग ट्यूब या कॉमन ओविडक्ट का। और तीसरा क्या है कि इसमें जो स्पर्म ओवा फ्यूजन कर लेते हैं फिर जाकर के ऊपर न्यूक्लियस पे जाते हैं, इस प्रकार से इसकी पता नहीं है यूजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस यूजेनेसिस दोनों मिलाकर के गैमेटोजेनेसिस की कहानी को पूरा करते हैं। अब छोटा सा टॉपिक और इसके आगे, एक और है आवर्त चक्र मिनिस्ट्रियल साइकिल, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके अंदर जाने जा रहे हैं आपको आवर्त चक्र, जो आप इसके बाद शुरू होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसके नाम सुना था कार्पस ल्यूटियम, अस्टियर में जो टॉपिक था हारोस वाले पार्ट में कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का मतलब क्या होता है, वह स्थान हमने बताया था कि जहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वह क्या हो जाता है आवर चक्र शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन से शुरू हो जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या बोले कि ओनली फीमेल मिनिस्ट्रियल साइकिल आवर चक्र केवल फीमेल में 12-13-14 ईयर्स के बाद शुरू, और ये लगभग 50-55 ईयर्स तक एवरी मंथ
एक मंथ की प्रोसेस फीमेल में चलती है, ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य में ही केवल क्रिया होती है, जानवरों में यह क्रिया नहीं होती, उसको बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। जो जानवरों को प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसको एस्ट्रस साइकिल, जबकि मनुष्य को उसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल साइकिल, क्योंकि इसमें हर महीने का प्रोसेस होता है। तो ये जो आवर चक्र होता है प्रत्येक मनुष्य जाति में कंपल्सरी, अगर ये नहीं होगा तो नई जनरेशन का निर्माण बच्चे पैदा नहीं होगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है यह क्रिया स्टॉप हो जाती है, जब बच्चा जन्म लेने के एक दो महीने बाद फिर से क्रिया शुरू हो जाती है, कंपल्सरी है, इसके बगैर न्यू जनरेशन का निर्माण नहीं होता। इंट्रोडक्शन किसका, मिनिस्ट्री साइकिल। तो आवर चक्र में यहीं से शुरू होती है, जैसे ये नेचुरल हो आते हैं जेनेसिस के बाद, यदि इसमें स्पर्म फ्यूजन कर गया तो ये आवर चक्र समाप्त होकर के वो क्या होता है, आपस यूटीएम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकले, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स किसका निर्माण करेगा, तो ये मैच्योर होगा, फर्टिलाइज डेट कहाँ पहुँच गया, यूटीएस में। यूटीएस में पहुँचने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से ये क्या करेगा, यूटीएस की और फ्लेशन का फॉर्मेशन शुरू कर देगा, और वो रैप्चर ना होकर के जोड़ता रहेगा। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो मैच्योर होगा था ये क्या करेगा, इसमें प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरोन होगा तो ओवरी वाला जो आई यूटीएस वाला होता है वो नष्ट होकर के ब्लड सर्कुलेशन शुरू कर, इसी को क्या बोलते हैं हम आवर चक्र, मिस्टर साइकिल। तो ये इसके इंट्रोडक्शन है, इसका प्रत्येक 28 से 29 मतलब 27 यहाँ से 29 देश का ये पूरा सर्कल होता है, 27 से 29 दिन का एक प्रकार का ये सर्कल होता है, चक्र होता है 27 से 29 दिन पूरे महीने का विदाउट फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसका पूरा टाइम टेबल है, इसका टाइम टेबल है 1 से 5 दिन तक ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, 1 से 5 दिन तक ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसका 6 से 14 दिन तक ऑव्यूलेशन की क्रिया होती है। ऑव्यूलेशन क्या होता है, 1 से 5 दिन तक ब्लड सेक्रीशन, 5 से 13 दिन तक इसका होता है फॉलिकल्स का मैच्योरेशन, 14 दिन ऑव्यूलेशन। ऑव्यूलेशन क्या होता है, अंडों का उत्सर्जन होना, ओवरी से ओवा का डिस्चार्ज होना, 14 दिन क्या होता है ऑव्यूलेशन, 15-16 दिन आपस यूटीएम या फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज होना, स्पर्म से जुड़ना, 14-15 दिन ये सबसे खतरनाक दिन होते हैं, 15-16 दिन जहाँ पर सूर्य का निर्माण प्रॉपर का फॉर्मेशन, 20 से 25 दिन तक फर्टिलाइज्ड एग का यूटीएस में स्थापित हो जाएगा, कहाँ से 20 से 25 दिन तक। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 27-28-29 दिन हुआ है यूटीएस में पहुंचा हुआ और मैच्योर हुआ वो आवर चक्र में शुरू हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन प्रारंभ कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं निकलेगा, कार्पस लूटियम समाप्त हो जाएगा, कार्पस लूटियम जब समाप्त हो जाएगा तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित में होता है वो जब स्रावित में होगा तो वो न्यूक्लियस की दीवारें वो टूटने लगेगी, जब टूटने लगेगी तो ब्लड सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं आवर्त चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिस्ट्रियल साइकिल, आवर्त चक्र। तो क्या क्या पढ़ा, ऊजेनेसिस, अंडावनियन, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवम लगभग इतना होता है, ऑस्टेज का सबसे बड़ा होता है आकार में, इसके बाद पढ़ाता हूँ मिनिस्ट्रियल साइकिल या आवर चक्र। जानवरों में आवर चक्र की यह क्या होता है एस्ट्रस, उसमें वो फीरोमोन्स निकलता है, जो सुगंध प्रकार का होता है वो फीरोमोन्स के कारण फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक निश्चित समय पीरियड में होती है, चले पूरे साल मनुष्य में मिनिस्ट्रियल साइकिल पूरे साल हो सकता है, जो जानवरों में एस्ट्रस साइकिल होता है वर्ष में निश्चित समय के अनुसार, निश्चित महीने के अनुसार ही प्रोसेस संपन्न होती है, तभी वो एस्ट्रस साइकिल सफल होता है। गवर्नमेंटली अलग अलग जंतुओं का अलग अलग समय का होता है, इसलिए मनुष्य का 9 महीने का होता है, अन्य जंतुओं का दूसरे टाइम का होता है। कुल मिला के एस्ट्रस साइकिल और मिनिस्ट्रियल साइकिल, एस्ट्रस साइकिल के थ्रू होता है जानवरों में, और मिनिस्ट्रियल साइकिल के थ्रू होता है ह्यूमन बॉडी या मनुष्य जाति। कल पढ़ेंगे इसके आगे का और जो भाग, एक और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इसके आगे का कल डिस्कस होगा।